लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू थे और कुछ जो थे सब्जेक्टिव थे, तो इसीलिए कुछ एमसीक्यूज इसमें मिलेंगे हमें पास्ट ईयर में, लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर में, और जो हमें थियोरेटिकल मिलेंगे हम वो भी करेंगे, क्योंकि उनको भी कन्वर्ट किया जा सकता है एमसीक्यू फॉर्मेट में. ठीक है. सो द हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, हेलिक्स माने अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. ऐसे ही प्लेटेड क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि प्लेटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज बाय, वी नो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड बोथ आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर. कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो तुम इनको क्वेश्चन को लिखोगे कैसे कॉपी में? तुम्हें अभी कॉपी में पास्ट ईयर की एक शीट बनानी है, तुम्हें उसको कैसे बनाना है? ऐसे द हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ये लिखना है तुम्हें. लाइन्स लिखनी है. पास्ट ईयर को कैसे हम लास्ट डे पे पढ़ पाएंगे जब हमारे पास कंपार्टमेंट, तुम्हें लिखना है, हेडिंग डालना है कंपार्टमेंट. 2021 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हमें वन लाइनर बनाना है लाइक दिस. यू हैव टू राइट द हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज बाय, फिल इन दी ब्लैंक बना के ब्लैंक के अंदर लिख देना है हाइड्रोजन बॉन्ड. समझ आया कैसे नोट करना है? ठीक है. नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ, नहीं न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं प्रोटीन्स. न्यूक्लिक एसिड्स के किसके पॉलीमर्स हैं? न्यूक्लियोटाइड के. दोनों लाइनें लिख ली हैं, आगे बढ़ूं? यस. ऑनलाइन लिख रहे हैं या नहीं? यस सर. यस. ठीक है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. अ कंपाउंड फॉर्म बाय पी एंड क्यू, पी एटम्स आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यू एंड क्यू एट द फेस सेंटर्स, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज पी क्यू थ्री, क्योंकि कॉर्नर पे 8 होते हैं और वो एक बनाते हैं, 8 × 1/8, और फेसेस 3 बनाते हैं. तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम फ्रॉम द कॉर्नर, कॉर्नर से इफेक्टिव कितने आते हैं? 8 × और फेस सेंटर से, फेस सेंटर्स कितने होते हैं? 6, और हर एक का हाफ, तो 3 आते हैं इससे, एक आता है इससे, तो P आएगा 1, तो Q आएगा 3, फॉर्मूला वुड बी PQ3. समझ आया ये क्वेश्चन? नाइट्रोजन इज अनेबल टू फॉर्म पेंटाहैलाइड बिकॉज, ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं थी पर ये तो लिखोगे. नाइट्रोजन इज एबल टू फॉर्म पेंटाहैलाइड बिकॉज, अनएबल टू फॉर्म पेंटाहैलाइड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. राइट, इजी है, कोई अभी तक डिफिकल्टी नहीं आई. तो CBSE के पेपर से सबसे ज़्यादा आइडिया लगेगा कि हम जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं क्या वो लेवल सफिशिएंट है या नहीं. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड इज मोस्ट वॉलेटाइल, कौन सा सबसे जल्दी उड़ जाता है? HI. अच्छा, ये पढ़ा था. क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो वैसे? बॉन्ड एंथैल्पी का वॉलेटिलिटी से क्या मतलब? बॉन्ड एंथैल्पी से तो वो बॉन्ड टूटता है. अगर वो पूछा तो कौन ज्यादा एसिडिक है, तो ये बॉन्ड टूटना थोड़ी वॉलेटिलिटी होता है. वॉलेटिलिटी होता है वेपर्स बनना. हाँ, बॉइलिंग पॉइंट, वेरी गुड. दिमाग को ढंग से इस्तेमाल करें. क्या HI सबसे पहले लिक्विड से HI गैस बनेगा या HF? क्या HF में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगी? तो कौन, HCl? समझ में आ रही है बात? मोस्ट वॉलेटाइल का मतलब है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो वो वॉलेटाइल होगा. फॉर एग्जाम्पल, हमने स्टीम वॉलेटाइल वाला केस किया था किसमें? हेलो एल्केन में, विच इज मोर स्टीम वॉलेटाइल, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन. इसमें स्टीम वॉलेटाइल वो था जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता था. तो वॉलेटाइल मतलब किसका बॉइलिंग पॉइंट लो. नीचे जाते जाते मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, और अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. तो नीचे वॉलेटिलिटी कम होगी, ऊपर वॉलेटिलिटी कम ज्यादा होगी. यानी HF सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होना चाहिए था, पर उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से HF विल हैव हायर बॉइलिंग देन HCl. तो HCl एज पर आर इंफॉर्मेशन HCl शुड बी मोस्ट वॉलेटाइल. समझ में आया क्वेश्चन? येस और नो? इसीलिए चॉइस में दिया गया था क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन टफ था. इसको बॉन्ड एंथैल्पी मत समझना, बॉन्ड एंथैल्पी तब आता है जब बॉन्ड तोड़ना हो,
जब एसिडिक करेक्टर हो, जब थर्मल स्टेबिलिटी हो, तब। ठीक है, लिख सर लिया है एक या बार नहीं ये लिखा फिर से है? बता दो, एक क्लियर नहीं हुआ हाँ बोलो, क्या कह रहे हो शारम? सर, ये एक बार फिर से बता दो। मैं कह रहा हूँ वॉलेटाइल का रिलेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट से, क्योंकि वॉलेटाइल वो होता है जो जल्दी वेपर बने, तो जल्दी वेपर वो बनेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। येस और नो शारम? सर नीचे जाते जाते आयोडीन में मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, तो आयोडीन वाली साइड तो नहीं होगी, हमें लग रहा है HF होता, बट HF का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, तो सबसे कम किसका होगा? HCl का। क्लियर है? यस सर नेक्स्ट। ऑलराइट, रिएक्शन नंबर 10। दिस रिएक्शन इज वुड्स फिटिंग या वुड्स फिटिंग? रिएक्शन एक एराइल हैलाइड, एक एल्काइल हैलाइड। एराइल हैलाइड होता तो फिटिक, अगर एल्काइल होता तो वुड्स, और अगर एक एराइल और एल्काइल में ड्राई तरह सोडियम डाला जाए तो वुड्स फिटिंग। क्लियर? नेक्स्ट। अच्छा, विच विल बी रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट? खुद सोचो और बताओ। विच विल बी फास्टेस्ट? चाहे SN1 हो या SN2 हो, ऑर्डर ऑफ आयोडाइड हमेशा ज्यादा ही रहता है। आर आई की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, देन BR, देन RCl, देन RF। इवन चाहे SN1 हो या SN2, सोचना ही नहीं, आयोडाइड सबसे जल्दी रिएक्ट करते हैं। पर यहाँ पे तो आयोडाइड है ही नहीं, यहाँ तो एल्कोहल है, तो तुम ये क्यों लगाओगे, मुझे क्यों घुमा रहे हो? और कुछ बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फास्टेस्ट? ठीक है, इसमें भी HIIHF। क्वेश्चन उल्टा होना चाहिए था वैसे तो, ये होना चाहिए था यहाँ पे CL, BAR, I होना चाहिए, और यहाँ एक्वस QH होना चाहिए था। ठीक है, अब अगर हम बोले HIHCl, HBr, HF में से कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो HI ही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी, जल्दी न्यूक्लियोफाइल इसके बनेंगे I-, क्योंकि तो लीविंग ग्रुप तो OH है ना, इसमें लीविंग ग्रुप का कंसेप्ट नहीं है ना, समझ में बात। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे HIHCl, HBr में से सबसे जल्दी न्यूक्लियोफाइल कौन देगा, तो सबसे जल्दी न्यूक्लियोफाइल देगा आयोडाइड, क्योंकि H और I का बॉन्ड सबसे बड़ा है, तो HI विल बी मोस्ट रिएक्टिव, ऑप्शन शुड बी ए। मतलब अगर हम हेलो एसिड्स की रिएक्टिविटी देखें, तो हेलो एसिड्स की रिएक्टिविटी इज लाइक दिस, और अगर हम एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी देख रहे हैं, हेलो एसिड्स और एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी इज लाइक दिस, तो इस वजह से आयोडाइड ही सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन अच्छा था, नोट कर लिया है, क्योंकि बाद में आगे फिर प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि पास्ट ईयर पेपर के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो बच्चे कुछ नहीं करते वो पास्ट ईयर करके आते हैं, बोर्ड को भी पता है। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, बॉन्ड एंथैल्पी। नेक्स्ट। नेक्स्ट करके ट्राई करो। 11th, द क्यूबिक CCP इज डिस्क्राइब्ड बाय विच CCP? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ABC ABC, यानी कि ABC ABC हुआ, या ACB ACB, बात तो एक ही है। वैसे ACB ACB बात एक ही है, पर कोई बात नहीं, हम A पहले फिर B फिर C लेते हैं। ABC ABC पैकिंग किसकी होती है? CCP की। और अगर मैं बोलूं उसकी क्या होती है, मुझे बताओगे? HCP की। ABAB या ABBA? ए बी ABBA होता है, या ABAB, एक बार चेक करके बताओ। ABAB। ठीक है, CCP HCP दोनों की पैकिंग, दोनों के दोनों कैसे होते हैं? FCC। कौन से होते हैं? FCC। अगर सपोज इस साल CCP का क्वेश्चन आया है, तो अगले साल HCP का आ सकता है, तो हम इस बार हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर रहे हैं जब हम पास ईयर कर रहे हैं, कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। लिख लिया क्वेश्चन, तुम्हें ये लिख लेना था। सर
की क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस। हाँ बोलो फिर दे। वो लिख रहा था सर। लिखो लिखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, एक बार ये ऊपर टेंथ वाली स्टेटमेंट दिखा दो। टेंथ वाला ये सर, कौन से चैप्टर का कर रहे हैं हम? पास्ट ईयर कर रहे हैं 2021 का, कंपार्टमेंट का। ठीक है नेक्स्ट पे चलें। 2021 में तो कोई एग्जाम ही नहीं हुआ। 2021 में एग्जाम नहीं हुआ पर जो उसमें भी फेल हो गए उनका कंपार्टमेंट है, उसका हुआ था। मतलब हाँ जिन्हों जिनको स्कूल वालों ने फेल किया उनके आज जो बोर्ड एग्जाम है वही है। बड़े आगे नेक्स्ट। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, ट्रू और फॉल्स? असर्शन इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है और फिनॉल को मोर एसिडिक बनाता है। नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड देयरफॉर स्टेबलाइजेस द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। यस यस सही बोल रहे हैं। अच्छा डोनेटिंग लिखा है, हाँ वो गलत है। ये वैसे सब सही था बस यहाँ पे डोनेटिंग होना चाहिए। तो तुम क्या करोगे, इसको कैसे नोट करोगे? तुम बोलोगे ये एजर्शन और इसका करेक्ट रीजन नोट करोगे। तुम इसको करेक्ट रीजन नोट करो इसका। ठीक है, हो सकता है इस बार पेपर में ऐसा आ जाए। तो तुम्हें ये याद रखना है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी होती है। तुम्हें गलत एक्सप्लेनेशन को याद नहीं करना है। तुम जब कॉपी खोल रहे हो पास्ट ईयर देखने के लिए तुम्हें सही चीजें दिखनी चाहिए, गलत नहीं। ठीक है, तुम ये थोड़ी याद करने वाले हो कि ए इज ट्रू आर इज फॉल्स इस क्वेश्चन में। समझ में आ रही है बात को? पढ़ो, लिख लिया? नेक्स्ट फैक्ट। If bond dissociation low होती है then CLCL, yes or no? Yes, ठीक है। और फ्लोइन फॉर्म वन ऑक्सो एसिड, यस। क्या कौन सा ऑक्सो एसिड बनाते हैं? HOF बनाते ना, एक ऑक्सो एसिड। ठीक है, तो ए इज टू आर इज टू, दोनों को अलग अलग या स्टेटमेंट बना लो कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होती? स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, स्मॉल साइज एंड हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, अच्छे नंबर आने चाहिए। सब कुछ करा दिया मैंने जो करा सकता हूँ, टेस्ट भी ले लिए हैं बहुत सारे। हाँ देते रहो जितने देना चाहो। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है। वैसे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे चलें। हाँ इस ये, हाँ ये लाइन नोट करी, इसकी रीजन नोट किया और ये लाइन को अलग नोट किया और इसका एग्जांपल। नेक्स्ट करें।
नोबल गैसेस फॉर्म्स मेनली कंपाउंड्स मेनली विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन. फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं? है. एसर्शन ट्रू है. ज़ेनॉन ऑक्सीजन के साथ बनाता है, ज़ेनॉन फ्लोरीन के साथ बनाता है. XeF6, XeF4, XeF2, XeOF4, XeO3. तो नोबल गैस फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं, ये करेक्ट है. और ऐसा क्या है, तुम खुद सोचो, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के पास जो औरों के पास नहीं होता, फोन. क्या? फ्लोरीन ऑक्सीजन आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन. कभी कभी चीज़ें टीचर नहीं बताता, पर तुम्हें खुद पेपर में दिमाग लगाना होता है. ये वही चीज़ है कि यस, हमें पता है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, शायद यही रीजन होगा, और तो कुछ कंपैरिजन नहीं है. फ्लोरीन और ऑक्सीजन में और क्या सिमिलैरिटी है? कुछ भी नहीं, बस यही कि बोथ आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. दैट इज वाई नोबल गैसेज फॉर्म कंपाउंड विद देम, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए और नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन है. सिंपल. आयरन ऑन रिएक्शन विद, ये कौन से चैप्टर की रिएक्शन होगी? डी ब्लॉक हो गया, छोड़ दो इसे. नेक्स्ट 15. अच्छा ये कहीं उसकी तो नहीं है, देखना एक बार. ग्रुप 17 की उतनी नहीं है, ऐसी तो नहीं थी ना कोई रिएक्शन? HCl रिड्यूसिंग तो नहीं है? नहीं. ठीक है. HCl इज ग्लूकोज इज रिड्यूसिंग शुगर. रिड्यूसिंग है. ऑल मोनोसैक्राइड्स आर रिड्यूसिंग. ऑल मोनोसैक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, यानी वो टॉलिन ऑफ वैलिन को रिड्यूस करते हैं. ग्लूकोज इज अ मोनोसैक्राइड एंड इट इज, यस इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर. ठीक है. डिस्पाइट हैविंग एन एलडीआईडी ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट. दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, पर दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. मतलब ये अलग चीज था कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, तो वो 2,4-DNP शिफ्ट टेस्ट नहीं देता, अल्फा बीटा फॉर्म नहीं बताता, और पेंटा एसिटेट उसका हाइड्रोक्साइल अमीन से रिएक्ट नहीं करता. ये उनमें से एक पॉइंट था, याद आया? तो ग्लूको ये करेक्ट है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन शायद ये होता. ठीक है. और ये भी करेक्ट है, तो बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. क्लियर है सबको? यस और नो? सर रीजन एक्सप्लेन कर दो दोबारा. मोनोसैक्राइड्स जो होते हैं ना, उनका एलडीआईडी ग्रुप होता है तो वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं, क्योंकि वो टॉलिन फेलिंग को रिड्यूस करते हैं. जो डाइसैक्राइड्स होते हैं, वो रिड्यूसिंग हो ना हो वो पता नहीं चल, वो देखना पड़ता है उनकी एक्टिविटी से. पर डाइसैक्राइड हमारे कोर्स में नहीं है, तो तुम्हें मोनोसैक्राइड में याद रखना है. ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों रिड्यूसिंग है, क्योंकि वो दोनों मोनोसैक्राइड है. ठीक है. और अगर इसका एक्सप्लेनेशन पूछते, अगर सपोज ये एडजशन होता, तो इसका रीजन क्या होता? नहीं, इसका इसका अगर ये एजर्शन होता, जो इसका रीजन है वो एजर्शन होता, तो उसका रीजन क्या होता? हम बोलेंगे साइक्लिक हेमीएसिटल ऑफ ग्लूकोज डज नॉट हैव अ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप. जो साइक्लिक हेमीएसिटल स्ट्रक्चर बनता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर डज नॉट हैव फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, उसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता. So that is why it does not give 2,4-DNP test, it does not give shift test, pentacetate does not react with hydroxyl amine. ठीक है सर. फर्स्ट वाले में बोथ करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन. कौन से वाले में? फर्स्ट वाले में. हाँ वो उसमें से भी 5-6 ले लो. नेक्स्ट सर. हाँ बोल. ये साइक्लिक के बाद क्या लिखा है? साइक्लिक हेमी स्ट्रक्चर जो होता है ग्लूकोज का, जो साइकिल वाला स्ट्रक्चर होता है, इट इज नॉट साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर में उसका एल्डिहाइड ग्रुप का वजूद नहीं रहता, क्योंकि जब हेमी एसिटल बन जाता है तो उसके अंदर ओ ग्रुप साइकिल में आ जाता है. क्या वो एल्डिहाइड बचा रहा? नहीं. क्या कीटोन बचा रहा? नहीं. तो वो एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन साइक्लिक स्ट्रक्चर में नहीं देता. क्लियर है भाई? Yes, sir.
नेक्स्ट, अब यहाँ पे इनके assertion रीजन और वो खत्म होते हैं एमसीक्यू, ठीक है। पर अब आते हैं इनके सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव को भी सिंपली वी कैन कन्वर्ट इट इनटू एमसीक्यू किसी को भी। जैसे प्रोपेनॉल इज ट्रीटेड वेयर, जैसे एमसीक्यू आएगा प्रोपेन टू ऑल और उसके ऊपर एरो लिखा होगा Cu573 और तीन ऑप्शन होंगे। अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है तो बिना ऑप्शन करके दिखाओ क्या बनेगा, कौन सा कीटोन? प्रोपेन नॉन है ना, क्या बनेगा? टू ओ नहीं होता है प्रोपेन का, और कोई कीटोन होता ही, ठीक है। दिस विल गिव प्रोपेन टू। नेक्स्ट, सैलिसिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद दिस, प्रोपेन टू ऑल इज हीटेड विद कॉपर 573, तो वो प्रोपेनॉन बनाता है। और सैलिसिलिक एसिड को, सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर भी तो पूछ सकते हैं क्या होता है। ये फिनॉल्स के अंदर है क्योंकि अल्कोहल फिनॉल ईथर में पड़ा है, तो इसके अंदर फिनॉल तो होगा ही और एसिड ग्रुप और होगा। सैलिसाइल एल्डिहाइड में क्या होता, सैलिसाइल एल्डिहाइड में होता CHO और सैलिसाइलिक। देखो तुम अपनी बेसिक्स क्लियर रखो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता ABC तब भी तुम कर सकते हो। सैलिसाइलिक एसिड को फिनॉल के चैप्टर में पढ़ा है, तो ये फिनॉल का एक ग्रुप होगा और ये एसिड है, सैलिसाइलिक एसिड। कैसे भूल सकते हो ये चीज, भूल सकते हो कभी? नहीं। सैलिसाइल एल्डिहाइड होता तो भी फिनॉल के चैप्टर में पढ़ा है और एल्डिहाइड होता सेकेंड पे। सैलिसाइलिक एसिड इज ट्रीटेड विद एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के नीचे था CH3CO2SO, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। एस्टेरिफिकेशन बनता है एल्कोहल प्लस एसिड, एल्कोहल प्लस एसिड हैलाइड, एल्कोहल प्लस एसिड एनहाइड्राइड। इसमें बनेगा एस्टर, और कौन ग्रुप देता है जिसका चैप्टर में पढ़ी है ये रिएक्शन, एल्कोहल देता है। एसिड भी देता है पर एसिड को एल्कोहल से रिएक्ट करना पड़ता, पर यहाँ पे एसिड है तो वो एल्कोहल से रिएक्ट करेगा तभी तो एस्टर बनेगा, क्योंकि एल्कोहल चैप्टर में पढ़ा है हमने। तो इसको हम बना सकते हैं ऐसे, ऊपर बना लेंगे इसको OCO CH3 और COH, ये भी कोई अलग चीज नहीं है उसमें, बस क्या है वो COH इधर है, OCO CH3 इधर है, पर फर्क नहीं पड़ता। दिस इज एस्पिरिन और एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड विच इज एंटी इंफ्लेमेटरी एटसेट्रा, ठीक है। समझ आया येस और नो? ठीक है। अच्छा, विच ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, फिनॉल टू एनिसोल, फिनॉल टू एनिसोल, वगैरह फिनॉल को एनिसोल बना के दिखाओ, ऐसे आएगा एमसीक्यू में। ये बना होगा फिनॉल और एनिसोल, हो सकता है ये भी ना बनाओ, सिर्फ ये दिखाओ कि फिनॉल टू एनिसोल विच रिएजेंट विल यू यूज, ABCD। और बताओ एल्कोहल टू ईथर, ईथर विलियमसन, विलियमसन के लिए फिनॉल को बनाओ फिनॉक्साइड, किससे बनाओगे? NaOH से। तो ये बन जाएगा ARONA। और दूसरी चीज क्या चाहिए तुम्हें? एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड क्या होगा? CH3Cl, वुड्स विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में इसको एल्कोक्साइड बना दिया, इसमें CH3Cl डाल दिया, NaCl निकल गया और एनिसोल बन गया। समझ आया? कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द रिएजेंट्स टू बी यूज्ड, और इसके अंदर ऑप्शन होगा वन NaOH एंड सेकेंड CH3Cl। तो ये ऑप्शन ABCD में से कुछ एक ऑप्शन ऐसी दिखेगी, पहले हमने NaOH डाला है फिर हमने CH3Cl, फिनॉल टू एनिलीन ऐसे बनेगा। समझ आया? नोट कर लिए, एनिलीन टू फिनॉल, एनिलीन टू, नो ABCC, फिनॉल की प्रिपरेशन में से एनिलीन वाली बताओ। हाँ, डाइजोटाइजेशन होगा, वो सैंड में नहीं होता। तो NH2 को NaNO2HCl 273 टू, और बनेगा क्या? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, राइट? N2 प्लस Cl माइनस,
और फिर उसके अंदर वार्म वाटर डाल देते हैं तो फिनॉल बन जाते हैं। नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट टर्म में जहां पे एन एन टू सी एल माइनस था वहां पे OH आ जाएगा। याद आ रही है रिएक्शंस? नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज ऑब्जर्व व्हेन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन आर देयर? और चार ऑप्शन होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव। तुम्हारी बात पे मैं मान लेता हूँ ये डेविएशन, सपोज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। व्हाई इज देयर अ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑन मिक्सिंग क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन? अरे ये तो फिर नेगेटिव होना चाहिए डेविएशन, तुम तो पॉजिटिव बोल रहे हो। डेविएशन नेगेटिव आएगा, क्या कर रहे हो? नेगेटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, वो तो क्वेश्चन में ही दे दिया उन्होंने आंसर। नहीं तो तुम तो गलत ही टिक करके आ रहे थे इसको। ठीक है, अच्छा अब वो पूछ रहा है व्हाई इज देयर, अच्छा ये क्वेश्चन अलग हो गया, एमसीक्यू बन गया। व्हाई, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज ऑब्जर्व्ड इन क्लोरोफॉर्म एसीटोन? इसका ऑप्शन होगा नेगेटिव डेविएशन। लिख लिया ये क्वेश्चन और आंसर। दूसरा क्वेश्चन बना कि व्हाई इज देयर अ डिक्रीज इन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन? इसका भी रीजन है बुक में, कोई बताना चाहेगा? हाँ, क्लोरोफॉर्म फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद, दोनों के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है बट जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। दिस इज एन एक्सेप्शनल केस वेयर इसके पास भी ओ एच एफ एच एन एच बॉन्ड नहीं है, इसके पास भी ओ एच एफ एच एन एच बॉन्ड नहीं है, पर दोनों के पास ओ और एच है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो रहे हैं। दिस इज द रीजन वाई इनके बीच में, इसका आंसर होगा एमसीक्यू में कि देयर फॉर्म्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे फॉर्म वैन डर वाल फोर्सेस, दे फॉर्म डिस्पर्शन फोर्सेस, तो योर ऑप्शन शुड बी दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम, क्योंकि सल्यूट सल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन से ज्यादा सल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन आ गई। लिख लिया क्वेश्चन एंड आंसर, येस और नो? नो सर्वे। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग विच वुड अंडरगो फास्टर एसेंट टू? आयोडोहैलाइड्स हमेशा ज्यादा रिएक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो, है ना? अभी हमने किया था आर आई सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं चाहे एस एन टू हो या एस एन वन। एस एन टू में दूसरा कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? प्राइमरी एज कम्पेयर टू टर्शियरी। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बात ही क्या है। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन देखो बोर्ड में आए हुए हैं, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज कर लो तो भी बात बन जाती है। ये भी बैक एक्सरसाइज का है और इनफैक्ट ऊपर वाला मतलब इस चैप्टर में नहीं है पर बैग एक्सरसाइज की क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, राइट द टाइप ऑफ इक्वेशन फीडल ग्राफ एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। एनिसोल क्या था अभी याद करा होगा तुमने, क्या होता है एनिसोल? बेंजीन के ऊपर ओ सी एच थ्री, अभी बनाया था ना एनिसोल, याद हो जाना चाहिए साथ साथ। अब तो ये टाइम आ गया कि अब दोबारा क्या पता देख पाओ ना देख पाओ, अभी याद हो जाना चाहिए। ये क्या है? एनिसोल। और इसके अंदर हमने क्या डालना है? एल्काइलेशन। फीडल ग्राफ एल्काइलेशन होती है सी एच थ्री सी एल एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री में। ये कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो एक बार ऑर्थो पे सी एच थ्री आएगा, एक बार पैरा पे, और पैरा मेजर होगा और ऑर्थो, तो ये तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल विद नाइट्रिक एसिड, तो क्या प्रोडक्ट बनता है कंसेंट्रेटेड के साथ? ऑप्शन दू? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल और पिक्रिक एसिड। अगर डाइल्यूट होता तो ऑर्थो या पैरा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड को आज कैसे बनाया जाता है? पहले सल्फ्यूरिक एसिड डाल के उसे सल्फोनेशन किया जाता है, फिर ठीक है ये लिख लेते, अगर तुम्हें नहीं पता थे तो शक्ल नहीं देखनी, लिखना है ये बनाना था। अगर तुम्हें नहीं पता ये चीजें क्या है तो कम से कम यही चीजें रट लो, ये फीडल ग्राफ एल्काइलेशन,
और नाइट्रेशन में क्या प्रोडक्ट होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस लीनियर नॉन सॉल्युबल, कैरेटिन इज एन एग्जाम्पल। हाँ डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है, यस। इनसॉल्युबल सॉल्युबल, और बताओ इसका एक और, लीनियर और स्फेरिकल और लिंकेज होती है, और कैरेटिन मायोसिन किसके एग्जाम्पल हैं, और एल्ब्यूमिन एंड एल्ब्यूमिन और आयोडीन, क्या बोल रहे हैं, ग्रुप 17 का एलिमेंट है वो तो ध्यान। हाँ एल्ब्यूमिन के अलावा कौन सा था, एक और था पर कौन सा था, ग्लोबुलिन इंसुलिन। ठीक है नेक्स्ट, एक काफी नहीं है, अब ये कोई थ्योरी पेपर नहीं है कि भाई एक ही काफी है, ये है एमसीक्यू पेपर आएगा, इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ, और फिर तो एक ही काफी था तूने यही सोचा हो। अच्छा नेक्स्ट, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बीच में डिफरेंस, इसके लिए एक ही काफी है क्योंकि ये बहुत सारे हैं, एसेंशियल और एसेंशियल आर रिक्वायर्ड इन डाइट, यस और नो, एंड नॉन एसेंशियल आर नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड, बट लोगे तो अच्छा ही रहेगा, नॉट रिक्वायर्ड इन डाइट। वाई, बिकॉज एसेंशियल कैन बी सिंथेसाइज या नॉट सिंथेसाइज, नॉट सिंथेसाइज इन आर बॉडी, और नॉन एसेंशियल आर एक्चुअली, ठीक है। अच्छा नॉन एसेंशियल के एग्जाम्पल सिंपल वाले, ग्लाइसिन और एलेनाइन, और ल्यूसाइन और आइसोल्यूसाइन एसेंशियल नहीं, वेलाइन चेक करो, मेरे ख्याल से तो नहीं होता, मैंने लिखवाया है पर एक बार कंफर्म कर लेना, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, मेरे ख्याल से एसेंशियल नहीं है वेलाइन और वो एलेनाइन, ल्यूसाइन और आइसोल्यूसाइन है एसेंशियल, चेक करो बुक में, मेरी नोट्स में हो सकता है मैंने गलती करी हो, एसेंशियल है बुक में या मेरे नोट्स में, वेलाइन सर ल्यूसाइन के साइड में क्या लिखा है आपने, आइसोल्यूसाइन लिखा था, वेलाइन और ल्यूसाइन लिखा है, ठीक है सर। ग्लोबुलर में कौन सी बॉन्डिंग होती है, ग्लोबुलर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, है? और इसमें डाइसल्फाइड लिंकेज से चेन्स को जोड़ा जाता है। अच्छा नेक्स्ट, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस कर लिया है। अच्छा रिएक्ट, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद एचसीएन, क्या देता है, वेरी गुड साइनोहाइड्रिन, और ये कौन सी रिएक्शन को दर्शाता है कि ग्लूकोज के पास क्या है, एल्डिहाइड और कीटो, ठीक है। Br2 के साथ क्या प्रोडक्ट मिलता है, और ये क्या दर्शाता है कि इसके पास एल्डिहाइड है, कीटो नहीं सर। हाँ HI के साथ बोलो सर, Br2 और वाटर वाली अलग अलग है ना, एक सेकंड शांत हो जाओ, हाँ खुशी बोलो, Br2 वाटर और Br2 अलग अलग वाली है ना, नहीं नहीं एक ही है, Br2 वाटर भी यही है सर। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल का डिफरेंस दिखा दो, दिखा रहा हूँ। HI के साथ क्या हेनेक्सेन मिलता है, और इससे क्या पता चलता है कि 6 कार्बन एक ही चेन में है, ठीक है। एसेंशियल नॉन एसेंशियल में रिक्वायर्ड इन डाइट, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट सिंथेसाइज, सिंथेसाइज इन आर बॉडी एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट नोट कर रहे हैं सारे ये क्वेश्चंस, उम्मीद है कि कुछ पेपर इसी से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट MCQ करें सॉल्व, ये मत सोचो चलो MCQ तो मैं ऐसे ही निपटा दूंगा, चॉइस में हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी करो क्वेश्चन, करो जल्दी से। 29 मैं क्या बोल रहा हूं तुम,
तुम समझो बात को, अगर तुम खुद को 90+ सोचते हो, तुम सोचते हो कि मैं IIT में जाऊंगा, तो तुम एक सोल्यूशन से डर गए, तो आगे क्या होगा? तो फिर सपने भी मत देखो अगर सोल्यूशन नहीं कर सकते। सोल्यूशन करो फिर बात बनेगी। ऑलराउंडर होना है। वेपर प्रेशर मैं कर रहा हूं, शक्ल क्यों देख रहे हो? दिल पे ले लिया इमोशंस। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। हाँ अरिजीत करेगा, कुछ कर तो रहा नहीं है। जल्दी से बताओ वेपर प्रेशर। खड़े हो, सीधे बैठे, पहले सीधे बैठ। हाँ अब बताओ क्या करें इसमें। वेपर प्रेशर की क्या है ये वैल्यू, क्या है? प्योर होता है तो ये क्या है? अच्छा तुझे प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी डाउट तो नहीं है किसी टॉपिक में अरिजीत? कोई कोई सोल्यूशन ऑर्गेनिक किसी पे सब हो रखा है कर रहा है? कोई डाउट है तो ले ले, अभी भी टाइम है। पी नॉट कितना आया? 17.536 mmHg। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द एक्वस सोल्यूशन व्हेन 20 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, पी निकालना है, व्हेन 20 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज मास ऑफ टू इज 180, नहीं 20 मोल्स ऑफ टू विल बी 20/180। कुछ मुश्किल होता ही नहीं है इनके क्वेश्चन में, डायरेक्ट 1/9। अब बताएगा लता, बता। W2 ले लीजिए, बोलो। हाँ तो निकाल लो, 500/18, 55.5 का हाफ आएगा, कितना होता है 55.5 का हाफ? 22.7 ले लूँ, ठीक है। ये तो W1 था, W1 था ये, और N2 निकालूँ तो 500/18, क्योंकि 1000/18 55.55 होता है, 27.5 आएगा। ये भी याद रख सकते हो, 500 ग्राम पानी में कितने मोल्स होते हैं? 27.5, ठीक है। दोनों चीजें आ गई तुम्हारे पास अब। हाँ तो तुमसे निकल जाएगा P0 - P/P0। यार रॉल्स लॉ लगाओ ना, इसमें लोरिंग तो है नहीं। रॉल्स लॉ इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू पी नॉट काई। अगर पी ऑफ वाटर चाहिए तो पी नॉट ऑफ वाटर डालो और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर डालो। मतलब ये लोरिंग का क्वेश्चन होता, जिसे बोला होता कि इतना लोरिंग है एटसेट्रा, तो मैं यूज करता P0 - P/P0 इज इक्वल टू काई टू। पर अगर मेरे को ये बोला ही नहीं, उससे सॉल्वेंट का पूछा, तो मैं रॉल्स लॉ लगाऊंगा, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा ना क्वेश्चन, समझ में आई बात? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा? दैट विल बी 27.5 अपॉन में 27.5 प्लस 1/9। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ये पी नॉट ऑफ वाटर, ये यहाँ डालो, ये यहाँ डालो और तुम्हारा पी आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है, समझ आया? नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, हेलो एल्केन के क्वेश्चन, ये तो तुम्हें आने चाहिए सबको। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोरीन्स अकर्स स्लोली। यस, बस ये वही क्वेश्चन को चेंज करके लैंग्वेज। एराइल हैलाइड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स, डज नॉट अकर इज, नहीं ये तो न्यूक्लियोफिलिक है। ओहो तुम समझो, देखो क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। एक क्वेश्चन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डज नॉट अकर, हाँ उसके चार रीजन थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। तो क्वेश्चन को ऐसे घुमाया है कि तुम वो चार रीजन लिख के आओ, पर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एराइल हैलाइड्स है। अब यहाँ पे बोल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी आसानी से नहीं होती, वाई? तो मुझे सोच के बताओ जवाब, वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आ जाता और उसमें चार ऑप्शन में से तीन तुम्हारे मिलते कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टेड ड्यू टू रेजोनेंस, ये वो, तुम बोलते ये तो क्वेश्चन ही गलत है, कुछ भी टिक करके आ जाता, ठीक है? अच्छा अगर एक होता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला और दो, एक गलत होता और एक इलेक्ट्रोफिलिक, तब तो वही चेक करके आते तुम टिक करके, क्योंकि तुम इतना नहीं ध्यान देते कि न्यूक्लियोफिलिक नहीं यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक। इसके चार रीजन थे, अकर्स
विद डिफिकल्टी, इसके चार रीजन एक बार रिवाइज करते हैं फिर इस पे आता हूँ सस्पेंस बनाने के बाद। हाँ तो ये क्या है, sp2 ड्यू टू, एक तो sp2 की वजह से शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर और रिपल्शन टू द न्यूक्लियोफाइल और इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। यस, ये होते हैं न्यूक्लियोफिलिक के। न्यूक्लियोफिलिक होती है AgCN, KCN, AgNO2, KNO2, LiLH4, एक्वस KOH, सारे वो जो टेबल वाले थे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, राइट। ये क्यों मुश्किल होती है, क्योंकि हैलोजन इज एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हैलोजन ग्रुप, हैलोजन वो रिश्तेदार है जो पैसे देकर उसको मांगने लगता है, याद आया। फिनॉल वो है जो पैसे देकर भूल जाता है, और एक्टिवेटिंग था फिनॉल कैसा था, तो वो तीनों जगह पे कराता था 2, 4, 6। पर हेलोरीन रेजोनेंस से देता है और इंडक्टिव से, तो वो डीएक्टिवेटिंग होता है। तो इसका रीजन होगा दैट हेलोजन्स आर डीएक्टिवेटिंग ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। समझ आई बात, तो ये रीजन क्लियर है सबको, येस और नो? देखो पास के पेपर से कितना दिमाग खुलता है, जो हम ऐसे ही करते जाते हैं करते जाते हैं, वो चीजें पास ईयर में पता चलती हैं। नेक्स्ट, सेकंड वाला ना, वो तो सिंपल क्वेश्चन है जो कि इंटेक्स का क्वेश्चन है। देखो इंडेक्स का क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट, तो बैग एक्सरसाइज का क्वेश्चन पक्का कंफर्म लिख के ले लो, आएंगे। और जो तुमने नहीं किया वो चार दिन में सारे कर लिए, सारे चैप्टर्स के, सारे चैप्टर्स के इंटेक्स, एग्जांपल्स, बैग एक्सरसाइज, ये कर लो, नहीं तो मैं उन चार दिनों में कराऊंगा। और क्या, तुम हाथ पकड़ के कराना पड़ता है सब कुछ तुम्हारा है, नहीं दे, खुद नहीं करना कुछ। और हाँ बोलो सर, चार दिन तो है भी नहीं है, चार दिन फिर से बोलो, तीन दिन है, कोई नहीं। वैसे तो मुझे तो एक ही दिन लगेगा कराने में, 4 घंटे 3 घंटे दे देना पहले दिन, उसके बाद छुट्टी कर दूंगा तुम्हारी, ठीक है। एक काम कर लेना कि पहले दिन अपना रिवाइज करके आ जाना, फिर नेक्स्ट डे सारी बैग एक्सरसाइज करा दूंगा, ताकि तुम कुछ पढ़ के आयो तो जल्दी हो जाए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। मतलब ऊपर ऊपर से देख के आ जाना ना सारा कुछ एक बार, ठीक है। एक दिन देख के आ जाओगे तो फिर मैं बैग एक्सरसाइज 4-5 घंटे में भी कर सकता हूँ, पर अगर तुम 3-4 घंटे में, और अगर तुम नहीं करके आओगे तो वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एनीवेज अब तक बहुत कुछ तो कर ही चुके हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज विद रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद केयर। पहले मुझे बताओ ये रिएक्शन कौन सी, अगर ये रिएक्शन होती तो क्या होती, बोलो रिएक्शन बोलो। अगर हम ये देख रहे हैं कि ये रिएक्शन होनी चाहिए थी, तो क्या होनी चाहिए थी? आई टू नहीं, ये होनी चाहिए थी। ये रिएक्शन तो है ही नहीं एनसीईआरटी में, पर रिएक्शन तो ये थी, सॉल्ट प्लस एसिड गिव्स हैलाइड प्लस NaHSO4 प्लस वाटर, ये तो रिएक्शन है बुक में, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये रिएक्शन पे वो पूछ रहा है, जैसे हम सॉल्ट और एसिड ले रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे ना NaCl और H2SO4 लेता तो मेरा RCl मिलता, अगर मैं यहाँ पे NaF और H2SO4 लेता तो शायद मुझे RF भी मिलता, पर मैं अगर यहाँ पे NaI या KI लूँ विद H2SO4 तो ये रिएक्शन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इस रिएक्शन में NaBr और H2SO4 HBr बनाते थे, HBr Br- देता था और वो न्यूक्लियोफाइल OH को रिप्लेस करके
आरबी आरबी का था, है ना। तो अब इस रिएक्शन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि के आई एच टू एच ओ फोर के साथ एच आई दे, एच आई से आई माइनस मिले जो आई माइनस आर ओ एच को आर आई बना दे, पर आई माइनस एच टू एस ओ फोर के साथ ऑक्सीडाइज होके आई टू दे देता है। एच टू एस ओ फोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आई माइनस वीक है। वो क्लोरीन ब्रोमीन को तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर आयोडीन उनसे वीक है तो वो आयोडाइड को आयोडीन बना देता है, तो आई माइनस रहता नहीं है तो आर आई बनता नहीं है। ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकती है 95%? हाँ, अगर हम इसकी जगह 95% ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड यूज करें तो दिस रिएक्शन कैन बी डन, यानी कि ये रिएक्शन हो जाएगी अगर मैं यहाँ पर H2SO4 की जगह H3PO4 लूँगा। ठीक है, समझ आया एक्सप्लेनेशन? बनाना तो नहीं होगा, है ना, आगे बढ़े। नेक्स्ट सर वीडियो भी एक्सप्लेनेशन बता दो। एक्सप्लेनेशन ये है कि KI H2SO4 से क्यों रिएक्ट, KI H2SO4 के साथ क्यों नहीं यूज हो सकता, क्योंकि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है विच ऑक्सीडाइजेस द आयोडाइड टू आयोडीन। आयोडाइड, तो इसका रीजन लिख लो यहाँ पे छोटा सा, H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग विच ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड टू आयोडीन। नेक्स्ट, एल्काइल हैलाइड्स विद गिव्स नाइट्राइल विद KCN एंड आइसोनाइट्राइल विद AgCN। नहीं, ये रीजन थोड़ी है इसका। अच्छा, एल्काइल KCN इज आयोनिक, KCN क्या है, इट ब्रेक्स इनटू के प्लस एंड CN-, CA इज फ्री टू मेक बॉन्ड, CC बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CN बॉन्ड, तो इसीलिए C और C का बॉन्ड बनता है जब KCN को यूज किया जाता है। ठीक है, KCN आयनिक है, डिसोसिएट हो जाएगा, CN के पास ऑप्शन है C से बॉन्ड बनाओ या N से, वो C से बनाता है क्योंकि CC बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। और कोवलेंट AgCN ऑन द अदर हैंड इज कोवलेंट इन नेचर, तो AgC को छोड़ता ही नहीं, डिसोसिएशन होता ही नहीं, तो N इज फ्री टू अटैक, N इज फ्री टू अटैक। अगर N फ्री टू अटैक है तो N का बॉन्ड बनता है तो वो आइसोनाइट्राइल बनाता है, AgC बॉन्ड डज नॉट ब्रेक। समझ आया, येस और नो एवरीवन? खत्म ही नहीं हो रहे देखो। हाँ, इतना मुश्किल नहीं है, या तुम्हारी तैयारी मैंने अच्छी कराई है? पेपर मुश्किल नहीं है या फिर तुम्हारी तैयारी आसान है, वो भी तो हो सकता है, रिलेटिव है ना चीजें। अच्छा, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग, ये करके दिखाओ, एक सेकंड, डी ब्लॉक का ना हो बस। अच्छा नहीं, ये पी ब्लॉक का करके दिखाओ, ये भी करना है ना, ऊपर वाले भी तो करने हैं, एक सेकंड, कुछ छूट गया शायद, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये भी सारे पी ब्लॉक क्वेश्चन, पहले ये करते हैं। चलो कल शुरू करेंगे, अब 2 बज गए हैं, ठीक है, आधा ही हो पाया कंपार्टमेंट का पेपर, 2 4 पेपर 5 पेपर तो हम सॉल्व करें, तो ऐसे आओगे तो फायदा होगा। ठीक है, कल 1 से 2 मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है।